छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नशा, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की जानिब। फेसबुक की दोस्ती अज़दवाजी जिंदगी में बदल गई। अमरीकी खातून ने पाकिस्तानी लड़के से की शादी। लड़कों की अमरीकी लड़कियों से शादी हो रही है और हम घर में झाड़ू पोछा लगा रहे हैं। अबे आपने तो ये बातें समझ में ही नहीं आती भाई। आपको समझ आ भी नहीं सकती, आप ठहरे बाबा आदम के जमाने के। ये नए जमाने की मॉडर्न नस्ल की बातें। ओ हेलो, ओ भाई इतना पुराना भी नहीं हूँ मैं। अभी 20 साल पहले 30 साल का हुआ था। कुल मिला के कितने के हो गए? 50 साल। ये भी वो जो अपने मुंह से कबूल रहे हैं, बस कर दे ससुर जी बस। ओ भाई एक टका जेब में नहीं है, बस तो क्या मैं साइकिल भी नहीं कर सकता यार। अच्छा आप कहें तो मैं कुछ करूँ? अरे खुदा का वास्ता कुछ नहीं करो यार, खुदा का वास्ता। तब पैसों का रोना भी ना रोए ना। अबे वो तो मैं ऐसे ही तेरे में गम बांट रहा हूँ यार। आप मेरा दुख तो बांटते हैं, कभी अपनी जेब से निकाल के पैसे भी बांट लिया तेरे। हाँ जाए गुलाम जी, जाए लड्डू आया। जी जी बेगम, जो बाहर के काम मैंने आपको कहे थे वो हो गए? नहीं अभी नहीं हुए। क्यों, क्या कर रहे थे आप सुबह से? घर के कामों से फारिग नहीं हुआ ना अभी। गुलाम एक तो ये अपना काम चोरी छोड़ दें बस। बेगम आप तो ऐसे कह रही जैसे मैं सुबह से सो रहा था। अरे काम ही तो कर रहा था बेगम। अच्छा अच्छा बस, ज्यादा वकील बन के ना बहस करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे साथ। अगर वकील होता तो 50 दफा तलाक दे चुका होता। क्या क्या कहा? कुछ भी नहीं। अच्छा अच्छा चलें, वो अलमारी में से मेरे शूज निकाले और जाकर जरा पॉलिश होने के लिए देकर आ जाए। बेगम जरा सा अगर हिलजुल लेते हैं ना तो सेहत के लिए अच्छा होता है। अगर मैंने ये सब काम शुरू कर दिए तो घर कौन चलाएगा? अरे भूखा मार देंगे आप तो सबको। नहीं बेगम मैं तो ऐसे ही कह रहा था। चलें शूज निकाले मेरे और जाकर देकर आए पॉलिश होने के लिए, पहनने मैंने शाम को। शूज आज मैं जरा सा काम थोड़ा सा रह गया ये निपटा लूं, फिर मैं शूज पॉलिश करा के लाता हूं। चलें जल्दी जाइएगा, शाम को पहनने हैं मुझे। ये लो। ये क्या है? इसकी बहुत सारी कॉपीज करवा के पूरे मोहल्ले में बांटे। पूरे मोहल्ले में? दोबारा कहने से मोहल्ला छोटा नहीं हो जाएगा। नहीं इसमें टाइम लगेगा। हाँ तो तुम्हें कौन सा ऑफिस जाने? नहीं ऑफिस तो नहीं जाना, लेकिन घर में तो काम है ना। वैसे इस पर्ची में है क्या? अब इसमें एक कहानी लिखी हुई है और आखिरी में लिखा हुआ है अगर हमने इसको नहीं बांटा तो हमारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। नहीं नहीं हनी ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ बुरा नहीं होगा, फिक्र मत करो, ये करने की जरूरत नहीं है। नहीं 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 कुछ बुरा हो गया तो इससे ज्यादा क्या बुरा होगा। क्या 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 कहा तुमने? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं कहा मैंने। हाँ तो जाओ ना। हाँ तो पैसे दे। किस बात के पैसे? कॉपी कराने के लिए। कितने? 1000 रुपए। 1000 रुपए? इतने सारे? हाँ तो आपने देखा नहीं किस मुल्क में महंगाई कितनी बढ़ती जा रही है? बहुत ही बढ़ती जा रही है वैसे दिन रात। हाँ हाँ तो फिर भी इतने सारे पैसे क्यों? कॉपियां करवानी है आपने? नहीं करवानी, पूरे मोहल्ले में बांटना है, मोहल्ला देखा है। दे रही हूँ जल्दी करें। 1200 रुपए दे दें, ज्यादा कॉपी करा। चुप, ये लो। ठीक है हो जाएगा हो जाएगा। जाओ वो कहाँ जा रहा है लड्डू? शहजादी के हुक्म बजा लाने के लिए। और आप? मलका आलिया के जूते चमकाने। अफसोस ससुर जी क्या जिंदगी है हमारी है? देख लो यार फेसबुक पे कोई अमीर लड़की भी तो नहीं पट रही मुझसे, कहाँ से ढूंढूं? ढूंढ ले यार, लेकिन एक बात है जब ढूंढे ना तो उसकी बहन को भी ढूंढियो। बहन छोटी नहीं हो जाएगी? अब तो अम्मा ढूंढ ले लेकिन अमीर कबीर हो। ये कुछ मुनासिब लग रहा है मुझे, ये कर लेते हैं। हाँ जाएं जूते चमकाएं, मैं हुकुम बजा लाऊं। हाँ अम्मा लड़कियां फेसबुक अब पता चलेगा। किसने ऐड कर लिया मुझे फेसबुक पर? स्वीट परी,
स्वीट वाह फ्रेंडशिप मैसेज किया है ऐड कर लेता हूँ अरे ये तो ऑनलाइन है बात करता हूँ हो सकता है मुझसे बात कर ले कहाँ रहती हो चलाप दो ना भाई आ गया क्या क्लिफ्टन में लड्डू लगता है ऊपर वाले ने तेरी सुन ली यार आपसे फोन पर बात हो सकती है थोड़ा सबर करें वो भी हो जाएगी वावा वावा निकल पड़ी मेरी निकल पड़ी आ गई मेरी खुशियों को छीनने वाली जी अब आया हनी आया बेगम क्या मैं आपसे बाद में टॉक कर सकता हूँ बोलो यस जी जी आ रहा हूँ क्या बात है भाई है? बड़ा दिल लग रहा है तुम्हारा इस नए मोबाइल में नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है देख ले भाई बात सुने लड्डू एक बात कान खोल के सुन ले जो कुछ करना सोच समझ के करना क्योंकि मैंने तुझ पे कड़ी नजर रखी हुई है नहीं मैं कोई दहशतगर्द हूँ जिस पे आपने कड़ी नजर रखी हुई मेरा मतलब यह है कि देख मुझे बेवकूफ मत बनाना समझा धोखा मत देना मुझे बाकी भैया जो भी करो मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है ससुर जी ओ लीना मेरी फेसबुक पे ना एक लड़की से दोस्ती हुई है अच्छा तो ऐसो वाली बगले वाली गाड़ियों वाली अबे देख भाई लड्डू ये जो आजकल ये जो चल रहा है ना सिलसिला धोखेबाजी चल रही है नेट पे अबे भाई बच के रहना इससे मुझे नहीं लगता कि वो मुझे धोखा दे रही है ससुर जी बात सुन तुमने कभी उससे फोन पे बात की अबे यार पता तो कर ले कि कभी लड़का ही तो बेवकूफ नहीं बना रहा तुझे हाँ क्या तो आप बिल्कुल ठीक रहे ससुर जी और जहन में रखना कोई बहन या बेवा अम्मा याद है ना लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो कोई बात नहीं मैं जाके हनी और तानी बेगम को बता दूंगा ससुर जी आप मेरे साथ ऐसा करेंगे अपने लड्डू के साथ ऐसा करेंगे तुमसे सीखा ये सब कुछ मैंने समझे ससुर जी आपसे फोन पर बहुत जरूरी बात करनी है क्या 5 मिनट बाद कॉल कर लूं इस नंबर पर ओके हेलो ये लो बात करो जी जी वो आपसे बात हुई थी ना जी मैं भी वही हूँ आप करती क्या है इंतजार किसका किसी अच्छे से लड़के का तो मिला नहीं मिले तो बहुत पर मेरा एक मसला है मसला कैसा मसला है आपका हर कोई मेरे और मेरी मम्मी के पैसों पर नजर रखता है मेरी मम्मी को भी जीवन साथी चाहिए लो ये तो मसला ही हल हो गया मैं भी कमा रहा मेरे चाचा भी कमा रहे हम दोनों कमा रहे पर मैं आपसे शादी क्यों करूं मैं तो आपको जानती तक नहीं तो मिल लेना मिलकर जान ले मुझे देखिए मुलाकात किसी ऐसी जगह रखे जहाँ कोई देखे ना वरना लोग बातें बनाते हैं जगह मैं आपको मैसेज कर दूंगी और हाँ अपने चाचा को भी साथ लेते आएगा मम्मी वहीं मिल लेंगी
और वही बात हो जाएगी। जी जी बहुत बेहतर है, ये तो कोई मसला ही नहीं है। और हाँ, अब मैं आपसे जब तक बात नहीं करूँगी जब तक हम मिल नहीं लेते। तो क्यों? क्योंकि मम्मी साथ होती हैं। मैं बहुत बेचैनी से आपके मैसेज का इंतजार करूँगा। हाँ ओके बाय। अच्छा चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज़। ये हुई ना बात। ससुर जी। हाँ लड्डो, तो सबको बेवकूफ बनाता ना, अब मजा आएगा। अरे यार। अरे ससुर जी, मेरी बात सुनिए, मेरी बात। अबे मैं सुबह से तारी बेगम की सुनता चला आ रहा हूँ यार, मुझे काम करने दो भाई। अरे छोड़े ना इस काम को, मेरी बात सुने, गोली मारे इसको। क्या लाठरी निकल आई है? निकली नहीं है, निकलने वाली है। क्या बता? आप मेरी वो फेसबुक वाली फ्रेंड हैं? हाँ 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 हाँ, तो सुने मेरी बात। सच्ची मुच्ची यार। अच्छा तो कब चलना है भाई? बस वो जैसे मुझे मैसेज करके बताएगी कहाँ पे मिलना है, हम थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाएंगे। यार मजा। लेकिन बात सुन, हम लोग इतना तैयार यार होके जाएंगे ना, तो ये औरतें हमें जाने देंगी? हाँ तो हम कह देंगे हम किसी दोस्त की शादी में जा रहे हैं। अबे यार कहीं रोक ना ले यार। नहीं भी जाने देंगे हम, तब भी चले जाएंगे। वो कैसे? वो ससुर जी, एक बार वहां से हाँ हो गई तो यहाँ पलट कर देखेगा कौन। अरे वाह। क्या बात है। आजा आजा। ये इसकी बात कर रहा था मैं, ये चेक कर लें आप। ये 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 ये, अरे हटो सामने से। ये हाँ लड्डू, क्या कर रहे हो तुम? नजर नहीं आ रहा, टीवी देख रहा हूँ। तुम ये कैसे बात कर रहे हो मुझसे? अच्छा उठो, उठ के मुझे कुछ बना के दो, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। तुम छोटी बच्ची हो, तुम्हें फीटर बना के दूं? हैं? लड्डू ये क्या बोल रहे हो तुम? और पापा आप इसे कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अरे भाई तुम ये दोनों मियां बीवी का मामला है, आपस में निपटा भाई। पापा लड्डू हम दोनों को क्या हो गया? रुक जाइए। मामा 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 मुझे नहीं पता, जल्दी इधर आइए। क्या हुआ हनी? मामा मामा ये देखिए, मुझे इतनी तेज भूख लग रही है, मुझे खाना नहीं दे रहा, और पापा भी कुछ नहीं बोल रहे, आराम से टीवी देख रहे हैं ये लोग। गुलाम लड्डू क्या सुन रही हूँ मैं? ये उर्दू में बोला है ना, क्या दोबारा बताएं? अरे तबीयत तो ठीक है ना तुम दोनों की? बिल्कुल ठीक है। लड्डू चलो उठो, मुझे कुछ बना के तो मुझे खाना है, बस उठो। ससुर जी मैसेज आ गया। किसका मैसेज? क्या हो रहा है ये? बहुत बड़ा काम मिल गया है, बहुत बड़ा। अगर हो गया ना तो मौजे लग जाएंगी, मौजे। कैसा काम? ससुर जी चलें तैयारी करें। चलो चलो। कहाँ जा रहे हैं? तैयार हो रहे हैं। लड्डू तैयार हो रहे हाँ। ये क्या हो रहा है? क्या हुआ इन लोगों को? मामा मुझे तो भूख लग गई, खाना भी बना के नहीं दिया मुझे। ओहो मैं कुछ ऑर्डर करती हूँ तुम्हारे लिए, मगर ये क्या कर रहे? सेट लग रहा हूँ ना। और मैं? अरे लालो लाल। अरे यार बात सुन, ये अच्छा हुआ हमने तानी बेगम और हनी को ये बात नहीं बताई। हाँ अगर खुदा ना खास्ता वहाँ बात नहीं बनी तो वापस तो इसी जहन्नुम में आना होगा ना। अबे हाँ यार। अबे चलो ना जल्दी जल्दी चलो यार। मेरी बात सुनो, वहाँ जाके आपने ज्यादा बात नहीं करनी। लेकिन यार तेरी मदद तो करूंगा ना मैं। आप चाहते हैं ये काम हो? हाँ तो बस आपने अपने मुंह बंद रखने, मेरी कोई मदद नहीं करनी, ठीक है? समझ गए ना? आ जाओ जल्दी से, आ जाओ। अरे जल्दी आ जाओ, टाइम नहीं, जल्दी मेरी बात तो सुन यार। मम्मा मुझे समझ नहीं आ रहा ये लोग गए कहाँ पर है आखिर? पता नहीं यानी इतना तैयार होकर कहाँ गए? पता नहीं घर आएंगे भी कि नहीं आएंगे। अरे आएंगे, जरूर आएंगे, कहाँ जाना है निकम्मों ने। आने दें इनको। मेरा तो मोबाइल भी छीन लियो, दांत भी तोड़ दियो, 160 रुपए छीन लिए यार, मेरी रकम छीन ली। अब पापा लड्डू ये क्या हो गया?
अरे ये क्या हालत बनाई है, किसने बनाई है तुम लोगों की ये हालत? धोखा हो गया हमारे साथ, धोखा हो गया, मैं लूट लिया, मर गया, मैं लूट लिया। मम्मी जी हम तो कारोबार की नियत से गए थे वहाँ पे। और आपको बताते चले आजकल नया लूटने का तरीका, जहाँ मर्दों को फेसबुक पर अमीर लड़कियों के रिश्ते दिखाकर फंसाया जाता है और किसी गुमनाम जगह पर बुलाकर उन्हें लूटा जाता है। तो आप लोग यहाँ गए थे इतने तैयार शैयार होकर, है ना? जी हाँ, जो भी इतना तैयार होकर जाया जा रहा था। अरे वो तो बस बस झूठ मत बोलो, बहुत अफसोस की बात है। अब उधर कहाँ जा रहे हो? किचन में जाइए, जाके खाना बनाए, भूखे बैठे हम लोग सुबह से। तो फिर बताए ना जी आपको कैसा लगा? पसंद है? सेहतमंद, ताकतवर और पढ़ा लिखा होना चाहिए। गुलाम बेटा है तो फिर बर्गर और ब्रोस्ट मंगा, हेमा पापा ना खाएंगे मैं। ये लड़का पढ़ा कितना है? बडेरे का बेटा है, इसको काम करने की क्या जरूरत है? महंगा क्या मतलब? नाम आपने पूछा था, बता मुझे रहा था। हाँ आपको बता रहा हूँ। वो जहर खा लेगा। मास्टर्स किया हुआ है, मास्टर्स। क्या मास्टर्स गांव में? हाँ हाँ गांव में आप सब कुछ होता है भाई, मास्टर्स क्या हेड मास्टर्स भी। मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नाशार, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। चल रामा के